मेष राशि, ये दिन आपके लिए अच्छा है, लेकिन एक सावधानी बरतने की ज़रूरत है। इस दिन अपने क्रोध पर, अपनी भाषा पर थोड़ा सा काबू रखिएगा। इस दिन रिश्ते नातों को बहुत संभाल कर डील करने की ज़रूरत है, कहीं कोई रूठ ना जाए। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, या आप लाल मसूर की दाल का दान कर दीजिए, या लोगों को जल पिलाइए, या गरीब जनों को दूध बांटिए। प्रभु जी सब ठीक करेंगे। वृषभ राशि, मन में बहुत सारे विचार आपके आते जाते रहेंगे, लेकिन मन थोड़ा संतुष्ट रहेगा, शांत रहेगा, यद्यपि आप चिंतित रहेंगे और तेजी से आपके विचार बदलेंगे, जिसकी वजह से अनिर्णय की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है। वैसे कुल मिला के समय ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। भाग्य पक्ष कमजोर है, इसलिए कर्म और वाणी पक्ष पर जरा ज्यादा ध्यान रखिएगा। सावधानी जरूर बरतें। इस दिन को बेहतर बनाने के लिए आप धन का लेन देन करते वक्त बहुत ध्यान रखें और ज़्यादा धन लेकर बाहर ना जाएं, अकेले तो बिल्कुल ना जाएं। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम दुम दुर्गाय नमः का आप जप कर लीजिए या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, तो वो सब ठीक करेंगे। मिथुन राशि, थोड़ा संभल के चलेंगे तो अच्छा रहेगा, अन्यथा यह दिन आपको आपके वाणी दोष की वजह से नुकसान दे सकता है। इस दिन आप अपने खर्चे बहुत सोच समझ कर कीजिएगा। एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरतें। इस दिन किसी को धन उधार नहीं देंगे तो अच्छा रहेगा, और साथ ही साथ अपने रिश्ते नातों में अच्छा व्यवहार करें। उपाय क्या करना है, ये दिन बहुत बेहतर हो इसलिए चिड़ियों को दाना पानी दीजिए, फिर अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कर्क राशि, कहीं ऐसा ना हो क्रोध में आप कुछ कर बैठें, या जल्दबाजी में कुछ कर बैठें, या अपनी भावुकता के अधीन होकर आप कुछ कर बैठें, जिसका संकट आपको बाद में झेलना पड़े। इसलिए शांत रहें, मन को प्रसन्न रखें। इस दिन की विशेष सावधानी जिसका आपको ध्यान रखना है वो ये है, अपने गृहस्थ में आप विशेष अलर्ट रहें और अपने राज को किसी के सामने ना खोलें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर अपने काम पर जुटें, प्रभु सब ठीक करें। सिंह राशि, यह दिन उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला रहेगा जो लोग मंगल कार्य के लिए जा रहे हैं, नई नौकरी या नए रिश्ते आदि के लिए जा रहे हैं। एक सावधानी इस दिन ज़रूर बरतिएगा। आप बहुत जल्दी व्यथित मत होइएगा, धैर्य थोड़ा बना के रखिएगा और मेहनत से अपने कार्य पर लगे रहिएगा। उपाय क्या करेंगे दिन को बेहतर बनाने के लिए, इस दिन दूध का दान अवश्य कर दीजिएगा 8 वर्ष से छोटी कन्याओं को, आगे प्रभु जी सब ठीक करेंगे। कन्या राशि, भाग्य पक्ष थोड़ा सा कमज़ोर है इसलिए बहुत मेहनत आपको करनी होगी। कर्म कुशलता के साथ कीजिएगा, बड़े भाई बहनों के साथ कहीं कोई मतभेद ना हो, या जिनसे आप प्रेम संबंध में हैं उनके साथ कहीं कोई मतभेद ना हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। एक सावधानी, यदि आप यात्रा में जा रहे हैं तो विशेष रूप से सावधानी बरतने की आवश्यकता है। उपाय क्या करेंगे इस दिन को बेहतर करने के लिए, पके हुए भोजन का दान किसी ज़रूरतमंद को अवश्य करें। तुला राशि, यह दिन आपके लिए बहुत विशेष नहीं कहा जा सकता। आपके अहंकार की वजह से, या बड़बोलेपन की वजह से, या धैर्यहीनता की वजह से, या पेट की खराबी की वजह से, या माँ अथवा जीवन साथी या किसी मित्र की बीमारी की वजह से आपको परेशानी हो सकती है। सावधानी, इस दिन धैर्य बना के रखें, मन को प्रसन्न रखें और ऐसे लोगों के साथ अधिक से अधिक समय गुजारें जो हंसी खुशी बांटते हैं। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, ओम ब्रह्म बृहस्पतिये नमः का जप करें और यदि संभव हो सके तो सफ़ेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में धारण करें या श्वेत वस्त्र पहने। वृश्चिक राशि, भाषा की शुद्धता का विशेष ध्यान रखिएगा इस दिन, साथ ही साथ दांत और गले की यदि आपको कोई दिक्कत है तो चिकित्सा सलाह अवश्य ले लें। इस दिन आपके बोलने की वजह से कुछ लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, ध्यान रखिएगा। सावधानी, इस दिन धन उधार लेना या देना दोनों अवॉइड करेंगे तो अच्छा रहेगा। साथ ही साथ यदि आप केमिकल्स पे काम करते हैं तो भी इस दिन थोड़ा सा ध्यान रखकर चलें तो अच्छा रहेगा। उपाय, इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, अपने भाग्य पक्ष को सशक्त बनाने के लिए उड़द की दाल का दान जरूर कर दें और ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें।
धनु राशि, आपके लिए दिन अच्छा है, लाभ का दिन है, बस एक सावधानी रखिएगा, इस दिन अपने प्रेम संबंधों में कोई बाधा उत्पन्न मत होने दीजिएगा। घर गृहस्थी में किसी तीसरे व्यक्ति की वजह से वाद विवाद उत्पन्न मत होने दीजिएगा। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, पके हुए भोजन का दान जरूर करना है। मकर राशि, यह दिन आपके लिए कुल मिला के अच्छा है, भाग्य पक्ष मजबूत है, इसलिए आपका दिन बेहतर गुजर सकता है, लेकिन एक सावधानी के साथ, इस दिन आपको धैर्य रखना है और लगातार काम पर जुटे रहना है बिना थके। उपाय क्या करेंगे, ओम नमः शिवाय का जप कीजिए, अपने काम पर जुटिए, प्रभु सब ठीक करेंगे। कुंभ राशि, यह दिन स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, वाहन की दृष्टि से अच्छा नहीं है, बाकी कुल मिला के समय ठीक है, चिंता करने की जरूरत नहीं, सावधानी एक जरूर रखिएगा, इस दिन धन उधार देने से बचे और मंगल कार्य के लिए अकेले ना जाएं। उपाय क्या करना है दिन को बेहतर बनाने के लिए, आप फलों का दान जरूर कर दें। मीन राशि, ये दिन आपके स्वास्थ्य की दृष्टि से अच्छा नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं या कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं बच्चे, उन लोगों के लिए ये अच्छा समय है। शत्रु थोड़े से मुखर जरूर हैं, लेकिन फिर भी दिन ठीक है, एक सावधानी रखिएगा, पेट का, पीठ का, पैर का ध्यान रखें। उपाय क्या करना है इस दिन को बेहतर बनाने के लिए, अरहर की दाल का दान जरूर कर दें। ये है ABP News, आपको रखे आगे।